आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे जिन भी बच्चों ने जो है इग्नू में न्यू एडमिशन लिया है 2020 में, सो उन लोगों को जो है अपना एडमिशन कैसे कंफर्म करना है कि उनका एडमिशन जो है प्रॉपर्ली हो चुका है, और उसके बाद जो है उन लोगों को जो है अपना आई कार्ड जो है कैसे डाउनलोड करना है। सो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अपनी जो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आ जाएंगे, ignu.ac.in। और जैसे ही हम लोग इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ऑन करेंगे, हम लोगों को यहाँ पर जो है टैब मिलता है रजिस्टर ऑनलाइन का, जिसके अंदर हम लोगों को जो है ऑप्शन मिलेगा फ्रेश एडमिशन का। सो सिंपली हम लोग इस ऑप्शन पर जो है क्लिक करेंगे, तो उसके बाद जो है आप लोगों के आगे जो है ये पेज ओपन हो जाएगा जो कि हम लोगों का जो है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। सो सिंपली हम लोग जो है अपना फॉर्म वगैरह सब चीज़ फिलअप कर चुके हैं, सो हम लोगों को सिर्फ चेक करना है। तो हम लोगों ने जो अपना रजिस्टर्ड यूज़र नेम बनाया था और जो पासवर्ड हम लोगों ने इसके लिए क्रिएट किया था, सिंपली हम लोग जो है इस टैब पर आकर के यहाँ पर अपना जो है यूज़र नेम टाइप करेंगे और पासवर्ड टाइप करेंगे। सो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करने के बाद यहाँ पर हम लोगों को जो है एक कैप्चा कोड दिया गया है, हम लोग इसको फिल करेंगे। अगर आप लोगों को किसी भी कैप्चा कोड में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और आप लोगों का ये कैप्चा कोड जो है चेंज हो जाएगा, और सिंपली हम लोग जो है ये कोड जो है यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। सो जैसे ही हम लोग लॉगिन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर स्टेटस अपना माई एप्लीकेशन के टैब पर आ जाएंगे। सो जैसे ही हम लोग माई एप्लीकेशन के टैब पर आते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोगों का भी जो है यह सभी ऑप्शन जो है आ रहे हैं, जैसे कि इसमें हम लोगों को हमारा कंट्रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर और जिस कोर्स में हम लोगों ने अप्लाई किया है वह सभी जो है यहाँ पर दिखा रहा है, जो कि आप लोगों का जो है स्टडी सेंटर भी इसमें दिखा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एडमिशन स्टेटस में जो है हम लोगों को एडमिशन कन्फर्म्ड दिखा रहा है। सो अगर आप लोगों को जो है आप लोगों के एडमिशन स्टेटस पे एडमिशन कन्फर्म्ड दिखा रहा है, तो उसके नीचे आप लोग देख सकते हैं जो आईडी कार्ड जो हम लोगों को इशू किया गया है उसको हम लोग यहाँ पर सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि पासवर्ड जो है हम लोगों का एनरोलमेंट नंबर है, और हम लोगों का एनरोलमेंट नंबर जो है इन लोगों ने हमको पहले ही दे दिया है, जिस भी बच्चे का एडमिशन कन्फर्म्ड हो जाएगा उसको। सो सिंपली आप अपने इस एनरोलमेंट नंबर को जो है कहीं पर लिख लें, जिससे कि आप लोग अपने आई कार्ड की फाइल को जो है ओपन कर सके। सो सिंपली हम लोग आई कार्ड डाउनलोड के इस डाउनलोड वाले बटन पर जो है क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे हम लोगों का जो है ये पासवर्ड मांगेगा जो कि है हम लोगों का एनरोलमेंट नंबर। सो सिंपली यहाँ पर अब हम लोगों को अपना जो है एनरोलमेंट नंबर टाइप कर देना है, और एनरोलमेंट नंबर टाइप करने के बाद सिंपली हम लोग जो है सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। और आप लोग देख सकते हैं जैसे ही हम लोगों ने सबमिट बटन पर क्लिक किया है अपना एनरोलमेंट नंबर टाइप करने के बाद, हम लोगों का आई कार्ड जो है यहाँ सिंपली डाउनलोड हो चुका है। सो सिंपली हम लोग इस आई कार्ड को जो है डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोगों को डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है उससे हम लोग सिंपली इसको डाउनलोड कर लेंगे, और आप सिंपली इस आईडी कार्ड को जो है डाउनलोड करके हम लोग इसको प्रिंट आउट वगैरह करवा के अपने पास जो है रख लेंगे, जो कि हम लोगों का जो है वैलिड आई कार्ड है इग्नू में एडमिशन के लिए, और जहाँ पर भी हम लोगों को जाना होगा हम लोगों को यही अपना आई कार्ड जो है शो करना होगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।